सभी को अभिवादन नमस्कार। और आज का विषय बता दूं, आज चर्चा करेंगे और गंभीर चर्चा करेंगे, वो चर्चा है वर्णाश्रम धर्म जिसको कहते हैं, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तमाम धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, हम चर्चा करेंगे। चर्चा संक्षेप में रहेगी मगर है गंभीर चर्चा। इससे एक दिशा भी मिलने तय है कि किस दिशा को हिंदू समाज चले, जिससे कि हिंदुओं में एकता स्थापित हो, मजबूती हो, शक्तिशाली हो। आइए इस पर चर्चा आरंभ करें। और जो बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम वेदों में ऋग्वेद कहते हैं, वहाँ से जो वेदों के आधार में प्रथम आधार है, ऋग्वेद सर्वाधिक पुराना है, उसमें एक पुरुष सूक्त आता है जिसमें चार वर्णों का उल्लेख होता है और उनकी उत्पत्ति भी बता देते हैं कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य, पेट से और पैरों से शूद्र। ये काल्पनिक प्रक्रिया थी जिसको एक दृष्टांत माना गया था, एक सिद्धांत माना गया था। इस पर चर्चा ये होने लगती है कि वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं है कि कोई मुख से पैदा हो, कोई भुजाओं से पैदा हो, कोई पेट से पैदा हो, कोई पैरों से पैदा हो, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से तो मनुष्य का जो जन्म का तरीका है वो एक ही है और सभी एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या दुनिया की और दूसरे धर्मों में हो, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे ईसाई का मानने वाला हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सारे का जन्म एक ही तरह से होता है, ये वैज्ञानिक है। और आज दुनिया के सभी समाज जो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास से ग्रस्त हों उनको छोड़ करके बाकी सभी मानते हैं कि ये एक एक जैसा कि अलंकारिक भाषा होती है उस रूप में इसका प्रयोग हुआ था, उच्चता दिखाने के लिए कि मुख सबसे ऊपर है शरीर में और उसी प्रकार पैर सबसे नीचे है, तो वर्टिकल क्रम हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन वेदों के बाद में, जब उपनिषदों के बाद स्मृतियों का काल आता है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है मनुस्मृति, उसमें बहुत ही वर्णन है इन वर्णों का, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है और उसके आधार पर तमाम रीति रिवाजों का वर्णन है, उस समय के विधानों का वर्णन है कि किस तरह के विधान सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, कौन कौन से विधान और किस किस वर्ण के लिए लागू थे। ब्राह्मण के लिए क्या करना है, क्या नियम है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए, ये मनुस्मृति में उल्लेख है। हालांकि बाद में ये कहा जाता है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप बहुत है, प्रक्षेप कहते हैं कि बाहर से स्वार्थ बस उसमें जोड़ा गया है, मूल मनुस्मृति जो कहते हैं कि मनु ने लिखी थी या मनु ने कही थी, उसमें तो कर्म ही सिद्धांत था, जन्म नहीं था, उसमें ये लिखा है, अभी भी देखा जा सकता है कि जन्मना जायते शूद्रा गुण कर्म विभागसा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और गुण और कर्मों के आधार पर
विभागों का बंटवारा होता है, तदनुसार वो वर्ण तय होता है उसका कि कौन ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा। ये भी उल्लेख है, लेकिन वहाँ जो जनेऊ प्रथा थी उसमें उल्लेख है कि हाँ उसमें आयु का भी अंतर है कि ब्राह्मण की कम आयु में जनेऊ हो जाएगा, क्षत्रिय का और अधिक आयु में और वैश्य का और अधिक आयु में, और शूद्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि उसका जनेऊ होगा, क्योंकि जनेऊ के आधार पर ही गुरुकुल में लोग जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो मनुस्मृति में विरोधाभास भी जगह जगह देखने को मिलता है, कहीं वो कर्म का आधार लेती है तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जन्म का आधार स्थायित्व प्राप्त कर चुका था। ये दुविधा समाज में बनी रही और होता ये रहा कि मुगल पीरियड में भी, जब अंग्रेजों के समय आता है तब भी, जो समाज था, राजा और सत्ताएं जिनके भी हाथ में रही हूँ, बादशाह, अंग्रेज, कुछ भी हो, मगर जो हिंदुओं की सामाजिक सत्ताएं थीं उनमें बहुत ही कठोरता थी, सामाजिक व्यवस्था बहुत ही कड़ी हो चुकी थी, जातियां इतनी बन चुकी थीं कि ये चार वर्ण कहने को थे, हजारों सैकड़ों जातियां हो गई थी। तमाम तो जातियां विवाहों के कारण पैदा हुई कि ऊपर से नीचे की जाति में विवाह हो गया या नीचे से ऊपर की जाति में विवाह हो गया, वर्ण में पहले विवाह हुआ फिर वो जाति में आ गए, तमाम धंधों से जातियां बन गई, जो जिसका व्यवसाय था उसी का जाति का नामकरण हो गया, लकड़ी का काम करने वाला उदाहरण के रूप में वो बढ़ई हो गया, लोहे का काम करने वाला वो लोहार हो गया, इसी तरह की और जातियां, कहार, कुम्हार, धोबी, धानो, नाई, कितनी भी गिना लो, जातियां धंधों के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर बनने लगी और वे जातियां किसी न किसी वर्ण के अंतर्गत हो गई। अनेक जातियां शूद्र के वर्ण में हो गई, उन्हीं जातियों में अस्पृश्य भी हो गए कि जो बहुत ही सफाई का काम करता है, जैसे उदाहरण के लिए, वो अस्पृश्य की श्रेणी में हो गया, वो अछूत हो गया। पहले सिर पर मैला ढोने की भी प्रथा थी, क्योंकि इस तरह के शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो वो और नीचे के पायदान में पहुंच गए। ये एक बड़ा कठोर हुआ समाज में कि जहां पर होना ये चाहिए था कि जो सेवा का कार्य था समाज में, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे खेती का काम हो, किसानी का काम हो, चाहे मजदूरी का काम हो, श्रमिक का काम हो, क्योंकि सेवा के कार्य से ही समाज खड़ा होता है। ताजमहल जैसे एक उदाहरण लीजिए, ताजमहल भले ही किसी नवाब ने बनवाया हो, शाहजहां ने बनवाया हो, मगर जो बनाने वाले कारीगर थे, जो मजदूर थे, उनके बिना ताजमहल का निर्माण संभव नहीं था। इसी तरह समाज में कोई भी उदाहरण लें, समाज का जो रूप है वो सेवा से ही खड़ा होता है। धन और विद्वता वो अपनी जगह है, मगर वो पूर्ण नहीं है, केवल धन और विद्वता से समाज टिक नहीं सकता है, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ तक व्यक्तिगत रूप में भी देखें, हर व्यक्ति को अपने शरीर की सफाई खुद करनी पड़ती है, जब वो बाथरूम जाता है तो वहाँ अपनी गंदगी खुद साफ करनी पड़ती है, कितने भी बड़े आदमी आप हों, लेकिन अपने शरीर की सफाई आप ही को करनी पड़ती है। तो इसलिए सफाई का कार्य अछूत का कार्य कैसे हो सकता है, निम्न कार्य कैसे हो सकता है, सफाई तो सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य होता है किसी भी समाज के लिए। तो होना ये चाहिए था कि जो सेवा का कार्य था, जो शूद्र का कार्य था, वो निम्न नहीं हो सकता था, नीचे नहीं हो सकता,
भले ही चार वर्ण थे, कर्मों के आधार पर अगर प्रारंभ में थे, तो भी उनको ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर न रख करके समान रखा जाना चाहिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण एक समान, एक क्षैतिज धरातल पर, समानता की धरातल पर ये चारों वर्ण होने चाहिए थे। आज विद्वान लोग, चाहे वो राजनेता हों, चाहे धर्माचारी हों, अनेक जगत गुरु की श्रेणी में हैं, यहाँ पर शंकराचार्य हैं भारत में, ये सब चर्चा में कहते हैं कि हम शूद्र को बराबर मानते हैं, शूद्रों के साथ भोजन करते हैं, और कुंभ में इस तरह की परिपाटी निभाई जाती है कि सभी साधु महात्मा और शूद्र कहे जाने वाले जो निम्न श्रेणी जिनको बना दिया गया, वे सब एक साथ भोजन करते हैं। यहाँ एक अभियान भी चलता है, खास रूप से राजनेताओं के द्वारा, कि वो अनुसूचित जाति के घरों में, जिनको दलित भी कहा गया, उनके घरों में जाकर भोजन करते हैं। ये अच्छा कदम है, बराबरी महसूस लोगों को होनी चाहिए, समानता महसूस होनी चाहिए, मगर ये केवल क्षणिक रह जाता है, स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाता है। जबकि समाज की एकता के लिए, विशेषकर हिंदुओं की एकता के लिए, शक्ति के लिए, इसको स्थायी होना चाहिए, या तो एक स्थायित्व तो इस तरह का हो कि सब ये चार वर्ण के आधार पर ये बटा हुआ है, मगर कर्म के आधार पर है, तो इसलिए कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है, जैसा कि कहने को सभी कहते हैं। और अगर आज की दृष्टि से देखा जाए, प्रजातंत्र की जो डेमोक्रेसी है, उस दृष्टि से देखा जाए, आज स्थिति यह है कि सेवा कार्य करने वाला ही समाज में सबसे श्रेष्ठ हो गया, मगर दूसरे दृष्टि से, वो अगर जाति के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति में देखेंगे तो वो श्रेष्ठ अभी भी समाज में नहीं कहा जाता है, मगर जनसेवक, जनसेवक कौन है, जो MLA है, MP है और राजनेता है, दूसरे पदों पर है, वे सब अपने को जनसेवक कहते हैं। और नौकरी करने वाले, पब्लिक सर्वेंट, IAS भी होता है, PCS होता है, IPS होता है, वो सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, PCS, IAS, सब में सर्विस शब्द लगा हुआ है, सेवा शब्द लगा हुआ। तो यानी कि जो ये सेवा करने वाले प्रजातांत्रिक देश में होते हैं, वे सब क्या करते हैं, सेवा ही तो करते हैं, और यही सेवा शूद्र करता था। जिसको शूद्र कहा गया, वे लोग, चाहे वो अब पिछड़ी जाति में हो, चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे अनुसूचित जनजाति में हो, वे सेवा कार्य ही तो करते थे। किसान क्या करता है, सेवा कार्य करता है, मजदूर क्या करता है, सेवा कार्य करता है। तो जन नेता, विधायक, MP, सांसद, मंत्री, नेता, ये भी अपने को जनसेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री तक सारे अपने को जनसेवक कहते हैं और जनसेवक करते हैं। जितने नौकरी पेशा है वो सब पब्लिक सर्वेंट है, वे भी सेवा कार्य करते हैं, मगर ये सब बहुत ऊंचे हैं समाज के पायदान पे। ये सब अगर ऊंचे हैं तो वो जो सूत्र है वो भी सेवा का कार्य करता है, जैसे ये सेवा का कार्य करते हैं, तो वो नीचे कैसे हो सकता है। इस दृष्टि से भी सेवा करने वाला शूद्र नीचे नहीं हो सकता है, आधुनिक डेमोक्रेटिक रूप में भी वो नीचे नहीं हो सकता है। और आज जन सेवक, पब्लिक सर्वेंट, ये सब समाज में ऊंचे पायदान पर है। आप IAS की स्थिति देखिए, PCS की स्थिति देखिए, MLA, MP की स्थिति देखिए, ये सब ऊंचे हैं, आधुनिक समाज में ये सब ऊपर है। आज कहा जाए कि ये समाज के ब्राह्मण वर्ग है,
अगर वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये ब्राह्मण हो जा रहे हैं, ये सर्वोच्च हो जा रहे हैं जो वर्ग हैं। अगर वर्गों में बांटा जाए कि आधुनिक रूप में कितने वर्ग हैं, कौन कौन वर्ग हैं, तो ये जो वर्ग है, जो राजनीतिक वर्ग है, जो जनसेवा करता है, जो ब्यूरोक्रेटिक वर्ग है, जो पब्लिक सर्वेंट है, ये सब ब्राह्मण वर्ग हो गए, सर्वोच्च वर्ग हो गए, जबकि ये सब सेवक हैं। तो इस सारी गंभीर चर्चा में ये बात निकलती है कि या तो सेवक जो है, जो सेवा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ मान लिए जाए, और हमारे जो धर्माचारी हैं विभिन्न पदों में, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे शंकराचार्य की संस्था हो, चाहे और तरह की संस्थाएं हों, उन सबके जो धर्माचार्य हैं वो पुस्तक लिखें, धार्मिक पुस्तक लिखें, जिसमें ये लिखा जाए, मनुस्मृति में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ये लिखा जाए कि ये सब बराबर हैं। या तो लिखा जाए कि जो सेवा कार्य करने वाले हैं ये नंबर एक हैं, सबसे ऊपर हैं, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे नंबर पर दूसरों को रखा जाए, या तो ये लिखा जाए, और अन्यथा ये लिखा जाए कि सब बराबर है। अब अगर कहने भर से काम नहीं चल रहा है तो फिर धार्मिक सामाजिक पुस्तकों में ये लिख दिया जाना चाहिए, धर्माचार्यों को खास रूप से, लेखकों को, कवियों को जो उस तरह की पुस्तकें लिखते हैं उनको भी, और धार्मिक संगठनों को इस बात की चर्चा करके इसका अभियान चलाना चाहिए, इसका लेखन पुनर्लेखन करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हिंदू समाज से दूर हो जाएगी, अद्भुत एकता होगी। अभी जहां एक दूसरे के खिलाफ सारे समाज के लोग खड़े रहते हैं, सारी जातियां एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई देती हैं, मतभेद दिखाई देते हैं, और छोटे छोटे संस्कारों में, छोटे छोटे रीति रिवाजों में, जगह जगह आप अखबार पढ़िए, आप सोशल मीडिया में आइए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई, प्रिंट मीडिया में आई, तो यही दिखाई देगा कि उसने उसका पानी छू लिया था इसलिए वो मार दिया गया, वो घोड़ी में बैठ गया तो इसलिए उस पर अटैक हो गया। तरह तरह के कानून बनाने पड़े, अनटचेबिलिटी एक्ट बनाना पड़ा, SC ST एक्ट बनाना पड़ा। इतनी दूरियां हैं समाज में, इतनी विपरीत स्थितियाँ हैं समाज में, विघटन है, टूटन है। तो अगर इस तरह की वर्ण व्यवस्था में धार्मिक पुस्तकों में लिख दिया जाए तो काफ़ी लिखने से ही अंतर आ जाएगा, और जब लिखा होगा तो समाज उसी अनुरूप फिर चलने लगेगा, उसी अनुरूप सभी बैठने लगेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक समकक्ष होकर के आपस में जो भी और आगे गतिविधियाँ करनी होंगी, तो लिखित प्रमाण होगा कि ये लिखा हुआ है। अब यहाँ ऊपर नीचे कोई नहीं है, ऊंच नीच कोई नहीं है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। और चिंतन करने के लिए जो धार्मिक व्यक्तित्व हैं, धर्माचार्य हैं, उनको ही आगे आना होगा। इसको कोई राजनीति नहीं कर पाती है, इसको अन्य लोग जो समाज सेवी हैं वो केवल आंदोलन चला सकते हैं, कह सकते हैं, मगर या तो कानून बना करके इसको किया जाए, लेकिन उससे अच्छा है कि ये कार्य धर्माचार्यों को करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, और उनको इस काम को करके समाज में एक रास्ता पैदा करनी चाहिए, एक रूपता पैदा करनी चाहिए, सशक्तिकरण करना चाहिए, सशक्तिकरण करना चाहिए। मुझे आशा है, विश्वास भी है कि समाज के खास रूप से वे वर्ग जो धर्माचारी कहलाते हैं, विभिन्न जो धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक पदों पर हैं, महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वहाँ तक मेरी बात जाएगी, और वो इसको चिंतन करके कोई रास्ता निकालेंगे और कहीं लेखन कराएंगे, जिससे कि वो उदाहरण के रूप में वो लेखन समाज के सामने हो, और उन पर फिर चर्चा होगी तो सुधार अवश्य होगा। और सामाजिक सुधार हर समय होता रहता, हर युग में होता रहता है, और आधुनिक युग में जब भारत स्वतंत्र है तो इस युग में ये अगर सामाजिक सुधार हिंदुओं के बीच में हो जाए तो
तो भारत का भविष्य भी, देश का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में आपने भाग सामने बैठ करके भी लिया होगा, जो सुन रहे हैं वे भी लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा को पूरे देश में, समाज में भी सब जगह करेंगे, ताकि इस पर कोई ना कोई राह निकल आए और वो राह शुभ हो। और हमारे साथ आप एक बार बोले उस निराकार परमात्मा के लिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। उसी से सारी शक्ति ग्रहण कर हमारा जो समाज है वो एकत्र हो, एकत्रित हो, शक्तिशाली हो, गौरवमयी हो, विश्वविख्यात हो। एवमस्तु, शुभमस्तु।